हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.1। वी हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। That means we are talking about two circle. Let R1 जो है one radius है एक circle का और R2 that is 9 centimeter. Find the, please beta, please find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of these two circles. I have to find the radius of the circle जिसका बेटा circumference जो है sum of first two circles के equal है। बेटा circumference का formula क्या होता है? 2πr. That means for that 2πr, okay? Here also 2π. As C1 represent the circumference of R1 radius circle, so that means I can write here R1. 2πr2। अब बेटा 2π कॉमन लेके सबसे कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, दैट मींस 19 प्लस 9, तो बेटा मेरे पास कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ओके हां जी, अच्छा जी। नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। बेटा द रेडियाई ऑफ a 8 centimeter and the other r2 that is 6 centimeter. Okay beta, respectively find the radius of a circle having area equal to the sum of the areas of two circles. That means agar mujhe area calculate karna hai, usne radius calculate karne ko kaha hai, but it is written that according to question कि उसका एरिया जो है वो क्या है, दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। तो अब बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगी क्योंकि मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो दैट मींस पाई आर स्क्वायर। ओके हियर पाई आर वन स्क्वायर प्लस मेरे पास जो है पाई आर टू स्क्वायर। ओके अब पाई पाई कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ओके आई नीड टू कैलकुलेट आर, तो बेटा पहले आर स्क्वायर निकालें। आर वन की वैल्यू 8 है तो 64, दिस इज 36, दिस इज 100, तो बेटा आर अगर देखें तो प्लस माइनस 100, बट रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट मींस कि मेरे पास आर 10 सेंटीमीटर। रीजन आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज दो आएंगी, मेरी यूज कौन सी होनी है? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ओके बेटा बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने हैं, उसमें तो बेटा है ही नहीं कि हम कुछ लिखे, बट मेरे को आपको रीजन हर चीज बतानी है ना। यही चीजें आगे सेकंड टर्म में तो सब्जेक्टिव होना है, तो यूज होंगी ना, तो अभी से हम मेंटली प्रिपेयर रहे। ओके चलिए बेटा कम टू नेक्स्ट। बेटा प्लीज सी केयरफुल क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द गिवन फिगर, इट इज रिटर्न द फिगर गिवन टू है, सी केयरफुली
first blue, then red, then yellow. Okay, red भी लिख दिया. What is written in the question? Figure represents or depicts an archery target marked with its five scoring जो है region following from the center जो है उसने center से बताया onwards as पहला gold, फिर red, फिर ब्लू, फिर ब्लैक एंड देन व्हाइट. आई हैव शोन यू द फिगर. हां जी बेटा, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज, डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर. अगर उसने कहा है कि कितनी वो जो है आगे को बढ़ रही है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर इस बैंड की जो है विड्थ है. उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्कोरिंग रीजन, हर रीजन का जो है एरिया निकालो. अब ये जो एरिया है ना, ये रिंग की तरह है. कैसा है? रिंग. तो बेटा तो बेटा वो मैम, आपकी आज माइक की प्रॉब्लम बहुत आ रही है. आप जब बोर्ड के पास जाते हो आपकी आवाज ही नहीं आ रही. अब आ रही आपकी आवाज? हाँ जी, थम्स अप कर दीजिए दक्षिता. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी. मैम आप जब बेटा ये नेट प्रॉब्लम हो, बोर्ड के पास जाते हो आपकी आवाज नहीं आती है, आपकी आवाज बीच में. हाँ जी दक्ष, आपको अपना पॉइंट क्लियर हो गया? अब बेटा सबसे पहले जो है, अगर मुझे व्हाइट जी बेटा, प्लीज लिसन इट नाउ केयरफुली. अब मैंने देखिए बेटा, रेडियस ग्रीन का मुझे दिया हुआ था. हाँ जी, 10.5 मैंने रेडियस आर का निकाल लिया. 10.5 में 10.5 ऐड कर लिया. सारे रेडियस पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आई नीड रेडियस ऑफ ब्लू. तो बेटा 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो 31.5 हो गया. ओके, पिछले वाले में ऐड करते जाना है. उसके बाद ब्लैक कैलकुलेट करना है, तो रेडियस ऑफ ब्लैक दैट इज 31.5 प्लस 10.5, ये हो गया 42 सेंटीमीटर. आफ्टर देन बेटा, नाउ आई नीड रेडियस
ऑफ वाइट, तो दैट मीन्स कि बेटा मुझे 42 में 10.5 ऐड करूंगी, 52.5 सेंटीमीटर। अब सारे रेडियस आ गए। अब मान लीजिए मैंने एरिया वाइट का कैलकुलेट करना है, ओके? तो सिंपल पाई, अब आर मुझे किसका चाहिए? देखो वाइट का कैलकुलेट करने के लिए आर वाइट स्क्वायर माइनस आर ब्लैक स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए। क्यों किया? क्योंकि पूरे व्हाइट में से ये ब्लैक वाला पार्ट मैं माइनस करूंगी तो तभी बैंड आएगा, रिंग आएगी व्हाइट की, नहीं तो नहीं आएगी। विवान क्लियर हुआ बेटा? नाउ इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। हाँ जी, व्हाइट का मेरे पास जो है रेडियस था 52.5 स्क्वायर, ब्लैक का 42 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, एरिया ऑफ ब्लैक। क्या करेंगे ब्लैक के लिए? हाँ जी, वेरी गुड। ब्लैक मेरे पास माइनस उससे नीचे वाला कौन सा है? ब्लू। तो दैट मींस ब्लू स्क्वायर। ओके बेटा, वैल्यूज पुट कीजिए। ऐसे ही करते जाओगे, हर बैंड का एरिया जो है आपके पास आता जाएगा। यस बेटा, बेटा देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व इट। हाँ, तो बाद में माइनस, तो ये एरिया ऑफ गोल्ड नहीं है, इसने क्या किया, सर्कल का निकाल लिया, व्हाइट सर्कल का पूरा एरिया, फिर ब्लैक सर्कल का निकाल लिया। वो ये लिख रहा है एरिया ऑफ व्हाइट, दैट इज रॉन्ग। वहां पर है एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल लिखो, व्हाइट बैंड का एरिया नहीं है वो। आप ले रहे हो व्हाइट, व्हाइट मतलब तुमने ये पूरा ले लिया, आपको पूरा ये थोड़ा चाहिए। सर्कल का फॉर्मूला लगा रहे हो पाई आर स्क्वायर, तो बेटा वो तो ये पूरा है ना, इसमें से तुमने ये क्या कर लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, इतना पोर्शन एक्स्ट्रा लिया कि नहीं दक्ष, तो वो गलत नहीं हो गया? आप उसमें से कोई, आपने रिंग निकालनी है, रिंग का एरिया हमेशा आउटर सर्कल माइनस जो नहीं चाहिए वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपने अगर अलग अलग निकाल लिया है, आप यहां एरिया ऑफ व्हाइट मत लिखो, एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल लिखो, ठीक है? जब एरिया ऑफ व्हाइट पोर्शन लिखना है तो उसमें से आप व्हाइट में से ब्लैक एरिया ऑफ सर्कल क्या कर दो, माइनस कर दो। बेटा कैसे सेम आ रहा है, एक का सही आ जाएगा, ग्रीन वाले का सही आएगा बस, ओ गोल्ड का सॉरी, बाकी और किसी का सही नहीं आएगा, आप मैच कर लो। ओके जी, क्लियर बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करोगे कैलकुलेशंस। नाउ बेटा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। लिसन इट वेरी केयरफुली, एमसीक्यू टाइप में, इवन एनटीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर। मेरे पास ये एक व्हील है, इसका डायामीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है डी। नाउ बेटा हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। अब उसने कहा कि 10 मिनट्स में, टाइम दे दिया कि 10 मिनट्स में वो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करता है। अगर कार की जो है स्पीड दी हुई है मुझे, स्पीड ऑफ कार जो है, कार की स्पीड उतनी होगी व्हील की स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड का मतलब क्या है? यहां बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका मतलब है 1 आवर में अगर यहां लिखा है 66 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इन 1 आवर मेरे पास वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 66 किलोमीटर। एम आई राइट? अच्छा, अब
मैंने तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करनी है। अगर मेरे पास तो है, ये देखिए आई एम शोइंग यू सपोज दिस इज अ व्हील, ओके ये कार का व्हील है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है। मुझे ये पता चल गया कि वन आवर में इसने 66 डिस्टेंस कवर किया। वन आवर में ये देखिए ऐसे ऐसे चल के, ऐसे ऐसे कार की स्पीड चल रही है, तो वन आवर में मेरे पास 66 किलोमीटर है। बट मुझे ये नहीं पता चला इसने कितना जो है रेवोल्यूशंस ली, रेवोल्यूशंस मतलब चक्कर लिए। वो कैसे निकालूंगे? अगर मैं देखूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको मैं डिवाइड कर दूं कि एक कंप्लीट, मैंने यहां पर ऐसे मार्क कर लिया, ये मार्क किया, मैंने यहां से शुरू किया ऐसे, ये जब एक चक्कर दोबारा ये मार्क किया हुआ यहां पर आ गया, इसका मतलब उसने एक में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या करूं? डिस्टेंस जितना डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सबको क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो बेटा अब ये देखिए, मैंने ये मुझे पता चल गया कि वन आर में मैंने इतना डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में ये देखना उसने मुझे रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूछा है, 10 मिनट्स में। पहले तो मैं देखूं कि 10 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, ठीक है, तभी वो मेरे पास यहां 66 नहीं, डिस्टेंस जितना 10 मिनट्स में किया। अब बेटा देखिए, वन आर मीन 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड इज 60 बाय 66 बाय 60। हमने किसका निकालना है? 10 मिनट्स का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 बाय 60 इंटू 10, तो ये कितना आया? 11 किलोमीटर। तो दैट मीन्स, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, यहां क्या आएगा? 11। अब बात आई एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर करते, जितना कार के व्हील की क्या है? सर्कमफेरेंस। तो दैट मीन्स नीचे मेरे पास क्या आ गया? 11 ओवर 2 पाई, पाइस 22/7 इंटू आर, आर कितना होगा? 40। अब बेटा ये कटिंग हो रही है 2, हाँ जी, इसको हम क्या करें, ऊपर कैलकुलेट कर ले, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 7 ओवर, हाँ जी बेटा, हमने कोई मिस्टेक किया मुझे लगता है, लेट मी चेक। हाँ जी बेटा, ये 2, 4 और ये 16। बेटा एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, यहां स्पीड थी किलोमीटर में, ये सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में, तो क्या हम ऐसे ही डिवाइड कर सकते थे? नहीं। तो दैट मींस वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले मैं उसको ये मीटर्स में चेंज हुआ और उसके बाद ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। मेरे को कैसे पता चला कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? रीजन कि मैंने देखा ये तो बहुत सेक्शन में आंसर आ रहा है, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं ना हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ सकते हैं फ्रैक्शन में कि एक सर्कल पूरा ना हुआ हो, बट ये तो 1 से भी कम आ रहा है, तो दैट मींस कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी। ऐसे ही आपको पता चल सकता है, कई बार समझाते हुए हमारा ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट में चला जाता है, ओके? तो यूनिट, जब भी हम कोई चीज डिवाइड करते हैं तो उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए, ओके जी। ऊपर किलोमीटर में था, नीचे सर्कमफ्रेंस मेरे पास किस में थी? सेंटीमीटर में थी, तो मैं सेम यूनिट नहीं थे ना, तो मैंने पहले ये सेम यूनिट किए, पहले सेंटीमीटर में चेंज किया, 1000 आया, क्योंकि 1 किलोमीटर में मेरे पास जो है 1000 मीटर्स होते हैं, फिर मीटर्स को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आ गया? 100 आ गया। अब यही चीज मैं ऊपर लगा देती हूं, 5 जीरोस हो गए। अब कटिंग कर लीजिए,
इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। रीजन ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, और नंबर जब हम निकालते हैं उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। बात समझ आई बेटा? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल जी, यूनिटरी मेथड सही, आप सीधा भी कर सकते हो, हमें पता है। अब एमसीक्यूज आपने करने हैं तब हम आपको ऐसे नहीं बोलते, हम सीधा कहते हैं जितना है, जितने में से निकाला आपने, कितने का टाइम दिया था, 1 आवर का, मल्टीप्लाई जितना दिया होता है तब हम डायरेक्टली बच्चों को कहते हैं लिखो। तब ये लिख के थोड़ा दिखाना है कुछ भी। ओके जी, आ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो 1 से भी कम था, पॉइंट में आ रहा था, एक भी रेवोल्यूशन नहीं पूरा हुआ, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, क्लियर? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हो सकता है किसी क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी हो, बट पता चल जाता है हमें कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ओके, क्लियर बेटा? जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैन कम इन फ्रैक्शन, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट क्योंकि इतने साल से हम ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर वो 1 से कम वाला आंसर नहीं था, तो मुझे फटाफट स्ट्राइक किया कि माइट बी कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी। ठीक है, क्लियर? चले बेटा आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, एमसीक्यू टाइप ही है बेटा। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हाँ जी, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल मतलब वैल्यू इक्वल है, मतलब अगर पेरीमीटर भी 22 आ रहा है तो सर्कल जो है एरिया भी क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब 2πr क्या है सर्कल का सर्कमफ्रेंस, एरिया क्या होता है, हाँ जी, पाई पाई कैंसल, आर कैंसल, तो आर की वैल्यू कितनी आई, बेसिकली आर की वैल्यू यहां से जीरो भी आती है। अगर लॉजिकली देखा जाए ना, जो चीज कैलकुलेट करनी होती है हम उसको कभी काट नहीं सकते। कैसे, देखिए मैं दोबारा बता रही हूं, 2πr - πr² दैट इज इक्वल टू जीरो मेरे पास। तो यहां पर आप क्या करो, पाई आर कॉमन ले लो, 2 - r जीरो, आइदर दिस इज जीरो और 2 - r इज जीरो, तो r की वैल्यू जीरो और r की वैल्यू 2, बट रेडियस अगर जीरो हो गया तो वो तो डॉट ही बन गई ना, वो सर्कल बना, नो उसने हमें सर्कल के लिए कहा था। कई बार क्यों मैंने बताया, समटाइम्स एमसीक्यू में दे राइट व्हाट विल बी द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, तो तब r की वैल्यू जीरो भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, बट हम जीरो को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि अगर हम जीरो को रिजेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो जीरो एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, डॉट बन जाती है, वो हमारे पास हो गए सर्कल नहीं बनता है। ओके बेटा, क्लियर? दिस कंप्लीट्स योर दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल, बेटा यहां थोड़ा कहेंगे उसने यहां, वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने पूछा कि आर की वैल्यू कौन सी ले सकते हो। अगर आप आर की वैल्यू 2 लेते हो, आप एरिया भी निकाल लो, आप पेरीमीटर भी निकाल लो, आंसर सेम आएगा। ओके जी, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, आप बेटा टॉपिक है एरिया ऑफ अ सेक्टर, आज फॉर्मूलेस बताऊंगी, नॉलेज उसके बारे में, आफ्टर देन हाँ बेटा क्वेश्चंस कल करेंगे। मेरे पास क्या है, इफ दिस इज अ सर्कल, मैंने उस दिन भी बताया था, सेक्टर कब बनता है, जब मेरे पास 2 रेडियस और एक कर्व, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है
ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है ऊपर वाला, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है माइनर और दिस वन इज मेजर। जहां एंगल कम हो दो रेडियस के बीच में, बेसिकली ये मेरे पास थीटा एक्यूट एक्यूट और ये बड़ा है ऑब्ट्यूज। जहां एंगल कम होगा वो माइनर सेक्टर होता है, जहां एंगल बड़ा होगा वो मेजर सेक्टर होता है। मैं फिगर ऐसे भी बना सकती हूँ, ये देखिए, तो ये माइनर सेक्टर हो गया, दिस इज सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर हो गया। ओके बेटा, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एरिया, अगर वर्ड लिखा जाता है ना एरिया ऑफ सेक्टर, तो अंडरस्टूड है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर मींस मैं माइनर सेक्टर की बात भी करती हूं। व्हेन नथिंग इज मेंशन, आपको कहा फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो जो एंगल दिया है वो एंगल अक्यूट दिया है तो माइनर सेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज दिया है तो वो अपने आप मेजर हो जाएगा, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात। व्हेन नथिंग इज गिवन, जिस हिसाब से थीटा दिया आपने वही कैलकुलेट कर ले, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ओके, ये माइनर सेक्टर, आप वर्ड यहां लिख सकते हो माइनर, ये माइनर तभी है अगर थीटा आपके पास एक्यूट दिए, तो हम इसको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं माइनर का। अब अगर मेजर निकालना है, किसी बच्चे ने ये निकाल लिया, अब ये निकालना है, मैं क्या करूं? पूरे सर्कल में से क्या कर दूं? माइनर माइनस कर। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाता है, कैसे? मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सीधा भी कर सकती हूं, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा ओवर 360। बेसिकली ये कैसे बना? पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। तो दैट मींस ये पूरा कंप्लीट कर देती हूं, तो दैट मींस पाई आर स्क्वायर 360 बाय 360 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनर का, ये हुआ, यहां से पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन ले लो तो क्या बन गया? 360 माइनस थीटा। बात समझ आई? तो डायरेक्टली हम ये भी लगा सकते, ये नहीं लगाना तो सर्कल में से माइनर माइनस कर दो, वो भी लगा सकते। ओके, क्लियर। कल बेटा कंटिन्यू करेंगे इसको।